देखें, ज़िक्र जो होता है वो ज़बान से भी होता है और दिल से भी होता है। ज़िक्र बिल लिसान, ज़िक्र बिल जनान, दिल से भी ज़िक्र होता है। और वो दिल का ज़िक्र जो है दो तरह का होता है। एक तो हम जैसे यूँ बैठे हैं आंखें बंद करके और जैसे अल्लाह 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 अपने तस्वुर में ला रहे हैं और ऐसे जैसे दिल धड़क रहा है और अल्लाह अल्लाह कह रहा है। और एक कल्बी ज़िक्र वो होता है जो जिसको गौर तफक्कुर कहा जाता है। दलाइल कुदरत पे आप गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और वुसअत के बारे में आप गौर कर रहे हैं, या आप एतराफ़ नेमत कर रहे हैं, मसलन याद कर रहे हैं अल्लाह ने मुझे क्या क्या नेमतें दी हैं, उनको आप शुमार करते जा रहे हैं और फिर ये सोचते हैं कि अगर ये नेमतें ना होती तो मेरे साथ क्या होता। ये भी एक क़ल्बी ज़िक्र है और ज़बरदस्त किस्म का ज़िक्र है, ये जो गौर व तफक्कुर वाला होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घड़ी भर का गौर व तफक्कुर साल भर की इबादत से बेहतर है। यानी ऐसा गौर व तफक्कुर जो उमूर आखरत में हो, आपके अंदर नूरानियत पैदा करे, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों के एतराफ़ की तरफ ला के शिकवा शिकायत से बचाए, दलाइल कुदरत पर गौर करें तो अल्लाह की अज़मत और महब्बत क़ल्ब में बढ़ती हुई महसूस हो, उमूर आखरत पर गौर व तफक्कुर करें तो दुनिया से दिल हटे और आखरत की तैयारी की तरफ दिल माइल हो। ये गौर व तफक्कुर घड़ी भर भी अगर आप कर लें उस साल भर की इबादत से बेहतर है जो गफलत के साथ अदा की जाए। तो बाज़ हमारे भाई बहन नवाफिल पे लगे हुए हैं ज़बरदस्त, बड़ी रातों में बता दें कौन सा नफल पढ़ना है, वो हज़ार हज़ार नवाफिल। ज़िक्र में लगी हुई हमारी बहनें मुसलसल, ज़बान चल रही है, दिल माइल नहीं हो रहा, बेटा पान ले आना ज़रा, हाँ वो खाना बना लेना, ये भी चल रहा है और जी हज़ार की तादाद पूरी करनी है 2000। गौर व तफक्कुर की आदत डालें, ज़बरदस्त किस्म की ये इबादत, ज़बरदस्त किस्म का ज़िक्र है। तो खुलासे कलाम ये कि ज़बान से भी आप ज़िक्र कर सकते हैं और क़ल्ब से भी। बल्कि अगर आप ज़बान से ज़िक्र करने में महसूस करें कि रियाकारी होगी, जैसे मस्जिद में बैठे हुए आप कोई देखेगा रियाकारी हो सकती है, तो क़ल्बी ज़िक्र अफजल होता है, वरना ज़बान से भी आप कर सकते हैं।